और संसार की हर वस्तु में समा गई। संसार की हर वस्तु पहले से अधिक प्रकाशयुक्त तथा सजीव उठी। ऐसी अवस्था में आपकी गर्दन रिजीव सी एक तरह झुक गई और इस भविष्य को देखकर पूजनीय माताजी घबरा गई। काफ़ी हिलाने डुलाने के बाद जब होश नहीं आया तो सांसों का आना जाना बिल्कुल बंद सा हो गया था। नब्ज बंद थी, बदन गर्म ना होता तो शायद माताजी चीख उठती और आस पड़ोस को शोर मच जाता। ऐसे समय परमात्मा की कृपा से पूज्य माताजी के मन में ये बात स्पष्ट उतर गई कि अगर मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है, इनका अनिष्ट नहीं हो सकता, फिर किस प्रकार आत्मा शरीर में वापस आई इसका होश ना रहा। इस अनुभव के पश्चात आनंद ध्यान शांति का पारावार ना रहा। इन अनुभवों को पत्र द्वारा दद्दा जी महाराज को आपने सूचित किया। इस प्रकार पूजा प्राप्त करने के 12 महीने के अंदर पूज्य दद्दा जी महाराज का पत्रोत्तर था, बेटे ये मार्ग हृदय के विकास और प्रेम का है। जब मालिक की असीम दया कृपा होती है तभी आत्मिक उड़ान व उत्थान प्राप्त हुआ करती है। सचमुच जितना विश्वास व प्रेम इसके दिल में गुरु से होता है उतनी उसकी उन्नति तथा आत्मिक चढ़ाई स्वयं ही हुआ करती है। क्या पता कि परमात्मा ने तुम्हारे रूप में हमें वे बालक दिया दे रहा है जिसके बारे में हमारे फतेहगढ़ वाले महात्मा जी फरमाया करते थे कि ऐसा प्रेमी तुम्हें मिलेगा जो हमारा तुम्हारा सबका नाम ऊपर कर देगा। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह सच्चा प्रेम व ज्ञान प्रकाश आपके हृदय में प्रदान करें। आपको अपने गुरुदेव जी का यह पत्र पाकर अपार हर्ष हुआ। प्रत्येक शब्द प्रकाश युक्त लग रहा था और प्रकाश हृदय व मस्तिष्क में समा रहा था। उस दिन रात्रि में 12:30 बजे जब आपकी एक आंख खुली तो अनोखी बांसुरी की तान आकाश से उतरती हुई मालूम हुई। उसी आनंद में हृदय तान के साथ साथ कूदने लगा। आपको ऐसा अनुभव हुआ एक हल्की सी आवाज़ कह रही है, क्या तू इसे साधारण बांसुरी की तान समझता है? ये तो श्री कृष्ण के स्वयं मुखार बिंद से आई बांसुरी की तान है। एक बार पूज्य दद्दा जी महाराज के फतेहगढ़ में प्राण खिंच गए थे जिससे हृदय की धड़कन बंद हो गई थी। परमात्मा की कृपा से कुछ घंटे बाद धड़कन फुट शुरू हुई। इधर उसी समय में आपको स्वप्न में अपना दिल परम पूज्य दद्दा जी महाराज के दिल से बंधा दिखाई दिया। जब इसकी खबर पूज्य दद्दा जी महाराज को दी तो पत्र में लिखा कि सचमुच कामयाबी का भेद है, उसी प्रेम में विश्वास की तय में छिपा है। परमात्मा की मैत्री कृपा से आपके साथ साथ आपकी धर्मपत्नी पूज्य माता जी ने आपके आध्यात्मिक जीवन का समुचित मेल रहा। परम पूज्य दद्दा जी महाराज ने आपको उपदेश देने के दूसरे वर्ष जुलाई 1949 को दूसरी पूजा बैत प्रदान की। इस वर्ष आपकी धर्मपत्नी पूज्य माता जी को भी बैत अता की गई। आप अपनी साधना एवं सपनों के विषय में अपने पूज्य गुरुदेव पत्रों द्वारा सूचना दिया करते थे।
आपके स्वप्न की सूचना में पत्रों में श्री दद्दा जी महाराज ने लिखा कि जो स्वप्न दद्दा जी महाराज परम संत मौलाना फजल अहमद खान साहब कुद्दुस शुरू के संबंध में रेल से सफ़र करते समय भीड़ के संग देखा, बहुत सुंदर है, यह खुश किस्मती से दिखाई देता है। जब अपने गुरुदेव से प्रेम इतना बढ़ जाता है, दोनों आत्माएं एक हो जाती हैं, तब मुक्त आत्माओं के दर्शन भी सुंदर रूप से हुआ करते हैं। जून 1951 पूज्य दद्दा जी महाराज ने आपको इजाज़त देते हुए फरमाया, आज हम यशपाल जी को इजाज़त देते हैं, इस अजीज से उम्मीद है जहाँ जाएगा और परमात्मा चाहेगा हर जगह सत्संग कायम करेगा, परमात्मा चाहेगा तो इस अजीज से मिशन को काफ़ी तरक्की मिलेगी। ईश्वर मालिक है। परम पूज्य परम संत महात्मा जी मोहन लाल जी महाराज 17 जनवरी 1955 को समाधि लेने के पश्चात पूज्य भाई साहब जी महसूस करने लगे कि पता नहीं अब क्या होगा। उस समय आप जबलपुर में थे, सत्संगी भाइयों से कहा कि अपने अपने घर पर बैठकर अभ्यास करें, कोई सत्संग नहीं होगा। दो दिन के बाद रात्रि में आपको महसूस हुआ कि पूंछ दद्दा जी महाराज सहशरीर आए और झजोर कर नाराज़गी के साथ कहा कि क्या तू मेरा काम नहीं करेगा। तब आपको विश्वास हो गया कि सतगुरुदेव जी महाराज मौजूद हैं और आपके साथ हैं। आपने पुनः यथावत सत्संग कराना शुरू कर दिया। अगले वर्ष जनवरी 1956 में पूज्य दद्दा जी महाराज की पहली बरसी पड़ी, बम्बई भंडारे का आयोजन हुआ। परमात्मा की कृपा से PNT डिपार्टमेंट की एक कॉन्फ्रेंस में एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने के लिए परम पूज्य भाई साहब जी को बम्बई जाना पड़ा। वहाँ पर भी अनुभव कुछ ऐसा ही हुआ कि करने कराने वाले तो पूज्य गुरुदेव जी हैं और हमेशा हमारे साथ साथ हैं। जबलपुर से दिल्ली ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ 2-3 सत्संगियों के साथ अपना सत्संग कराना शुरू किया। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। सन 1958 रामनवमी के दिन पहला आध्यात्मिक उत्सव राष्ट्रपति भवन के लॉन में संपन्न हुआ। वहाँ 12 साल तक यानी सन 1969 तक भंडारा संपन्न होता रहा। इस दुर्लभ विद्या को यथावत सद्गुरुओं के उपदेशों के अनुसार प्रचार व प्रसार हेतु आपने अखिल भारतीय सतमत सत्संग की स्थापना की। उस समय बहुत कम लोग थे जब आपने इस संस्था का नाम अखिल भारतीय सतमत सत्संग रखा, तो कुछ भाइयों ने भाई साहब जी का परिहास उड़ाया कि इतने कम लोग और नाम अखिल भारतीय सतमत सत्संग, ये उनकी दूरदृष्टि एवं दृढ़ विश्वास का ही फल है। आज हम अखिल भारतीय सतमत सत्संग का यह स्वरूप आप सभी के सामने है, जिसका उद्देश्य ग्रस्त साधकों के लिए ग्रस्त की सारे कार्य धर्मानुकूल करते हुए साधन की सहज साधना द्वारा आत्म साक्षात्कार के दर्जे तक पहुँचाना। सन 1969 में ऐसी हालत बनी कि आपने निश्चित किया कि अपनी जगह ले ली जाए और सन 1970 में ग्रांग अनंगपुर में अखिल भारतीय सतपथ सत्संग के लिए स्थान चयन हुआ, जहाँ पर आप सब लोग बैठे हुए हैं, और यहीं पर ये भंडारे का कार्यक्रम करना निश्चित हुआ। उस समय यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी थी पानी की। इस पथरीली इलाके में पानी कहाँ से, बड़ी मुश्किल का सामना था। भंडारे के प्रोग्राम जा चुके थे, इधर पानी का नाम ही निशान नहीं, आसपास के इलाकों में पानी की भरी भारी कमी थी। परम पूज्य भाई साहब जी ने सिलसिले के बुज़ुर्गों
अब परम पिता परमात्मा में ध्यानिस ध्यान में समाधिस्थ होकर एक स्थान पर ज़मीन पर निशान लगाया और वह खुदाई कराई करने के लिए कहा। 12-14 फीट में काफ़ी पानी मिल गया। ये सूचना परम पूज भाई साहब जी को दी। उन्होंने परम पिता परमात्मा और बुजुर्गों का को धन्यवाद दिया। उसी जल से भंडारे का कार्यक्रम अनंगपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कुएं का पानी इतना स्वादिष्ट और गंगा जल की तरह पवित्र उच्च कोटि का है, तभी से यहाँ पर भंडारा निरंतर चला आ रहा है। यहाँ पर साप्ताहिक मासिक सत्संगों के अतिरिक्त वर्ष में 3 प्रमुख केंद्रीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होता चला रहा है। ये 3 प्रमुख कार्यक्रम है, जुलाई में गुरु पूर्णिमा महोत्सव, 5 दिसंबर में पूज भाई साहब जी का जन्मोत्सव एवं मार्च अप्रैल में वार्षिक भंडारा अध्यात्म पुस्तक। इस सत्संग कार्यक्रमों में सदगुरुओं के सुधाधार से लाभान्वित होने के लिए देश के विभिन्न प्रदेशों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाई भक्त जाने आते हैं और साथ ही साथ हर शाखा पर रविवार गुरुवार को सत्संग कार्यक्रम हो रहा है। आपके संपर्क में अनेक श्रद्धालु भक्त लोग आते गए और सत्संग की शाखाएं बढ़ती चली गईं। अखिल भारतीय संतमत सत्संग के वर्तमान स्वरूप पूज्य गुरुदेव जी की आध्यात्मिक यात्रा का संपूर्ण विवरण पूज्य माता जी श्रीमती रूपवती जी के जिक्र किए बगैर अधूरा ही रहेगा। इसलिए माता जी के विषय में सेवक संक्षेप में आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करेगा। सदगुरुओं की श्रृंखला में पूज्य माता जी का स्वरूप ये प्रकाशपुंज पृथ्वी पर 10 दिसंबर 1922 को अवतरित हुआ और लगभग 90 वर्ष की आयु में दिनांक 3 नवंबर 2011 को प्रभु परमेश्वर में एकाकार हो गया। परम पूज्य माता जी का आजीवन अपने आराध्य पतिदेव परम पूज्य महात्मा श्री यशपाल जी महाराज के साथ परछाई की तरह रहकर जनमानस में दिव्य प्रभु प्रेम संचित करने के महान कार्यों में अद्वितीय योगदान प्रदान करती रही। पूज्य माता जी के जीवन के दर्शन को देखने से यह प्रतीत होता है कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण जिन 3 प्रमुख साधनों से हुआ, वे सेवा, त्याग और समर्पण। आज पूज्यवर भाई साहब जी के साथ सत्संग एवं सत्संगी भाइयों की सेवा में दिन रात जुटी रहती हैं। गर्मी की तपती धूप हो, सर्दी की कांपने वाली ठंड अथवा बरसात की मूसलाधार बारिश, हर दिन हर क्षण सत्संगी बंधुओं एवं जिज्ञासियों के सत्कार के लिए हमेशा तत्पर रहती। ये सब करते हुए आपको तनिक सुविधा असुविधा का रंच मात भी परवाह नहीं रहती। सेवा और त्याग की तो आप साक्षात मूर्ति थी। सत्संग के प्रति आपके अद्भुत समर्पण की कोई समकक्षता नहीं थी। पूज्य गुरुदेव की आध्यात्मिक उपलब्धि एवं अखिल भारतीय सतमत सत्संग के व्यापक विस्तार की पृष्ठभूमि में आपकी निष्ठा, समर्पण, सहयोग का जो योगदान है भुलाया नहीं जा सकता। PNT विभाग में सर्विस रहते हुए परम पूज्य भाई साहब जी को विभाग के प्रमुख ने बताया कि आपका नाम विदेश जाने के लिए रिकमेंड किया है, आपकी सहमति चाहिए। आपने तुरंत कह दिया कि मैं अपना निर्णय घर पर बात करके कल बताऊंगा। वे हैरान हो गए और समझाने लगे कि बहुत से लोग तो जाने के लिए उत्सुक हैं
और मैं आप ही को रिकमेंड करने जा रहा हूँ, सुनहरा अवसर है। घर आकर आपने पूज्य माता जी को दफ्तर का सब हाल बताया और कहा कि मेरे लिए दो ऑप्शन हैं, एक तो ये कि मैं विदेश चला जाऊं, पेमेंट बढ़ने से घर की सारी जवाबदारियां, बच्चों की पढ़ाई, शादियां आदि के खर्च ठीक से पूरे हो सकेंगे, दूसरा ये यहाँ रहकर सर्विस के साथ साथ सत्संग का कार्य करूं, पर यहाँ जैसा चल रहा है इसी में गुजारा करना पड़ेगा। तब माता जी ने तुरंत कह दिया कि यहीं रहकर सत्संग का काम करें, विदेश जाने की ज़रूरत नहीं, इसी हालत में हम गुजारा कर लेंगे, ये ईश्वर की मर्ज़ी है, ईश्वर मालिक है, गुरुदेव की मर्ज़ी। पूज्य सदगुरुदेव भाई साहब जी स्वयं फरमाया करते थे कि भंडारे का सारा प्रबंध वे काम तो माता जी करती थी, पूज्य भाई साहब जी फरमाया करते थे परमात्मा के प्यार का कोई नमूना पृथ्वी में है, वह है माँ का प्यार। यूँ तो माँ की ममता और प्यार उसकी संतान तक सीमित नहीं सीमित रहता है, जबकि पूज्य माता जी का स्नेह प्यार ममता समस्त सत्संग परिवार ही नहीं अब तो संपन्न पूरी मात के लिए थी। पूज्य माता जी का स्वयं सहज उदार व्यक्तित्व जितना सरल था उतना गूढ़ था। प्रारंभ में आपके व्यक्तित्व की इसी विलक्षणता का था पाने के लिए पाने में अधिक तक लोग असमर्थ रहे, परम पूज्य भाई साहब जी भी आपको घर परिवार में व्यस्त साधारण गृहस्थी मात्र समझ रहे थे। जब आपके सद्गुरुदेव श्री बिजमोहन लाल जी महाराज ने आपको स्पष्ट शब्द में फरमाया कि आप बेटी को क्या समझते हैं, बड़ी बड़ी मंजिलें जो अच्छे योगियों को भी दुर्लभ है इन्होंने सहज में ही पार कर ली हैं, पूर्ण ज्ञान है, बस जवान नहीं तो वे भी चकित रह गए। पूज्य माता जी के अंतिम दिनों की वाणी, सत्संग करते कराते रहना चाहिए, दुनिया में इससे अच्छा काम कोई नहीं है। आपके अंत स्थल में स्थापित सत्संग प्रेम श्रद्धा व निष्ठा का ज्योतक है। 1990-92 में एक दो मौके ऐसे आए कि परम पूज्य भाई साहब जी ने महाप्रायण की इच्छा जाहिर की, परंतु परम पूज्य माता जी ने अभी सत्संग को और परिपक्व होने दो कहकर रोक दिया। अखिल भारतीय संतमत सत्संग परम पूज्य भाई साहब जी के दिव्य व्यक्तित्व का छाप उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ता गया। संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों से भगवत भक्त समय समय पर आते रहे और आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित होते रहे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।